एंड मुख्य चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया कि देखिए सिक्योरिटी को लेकर आपकी तैयारियां कैसी हैं, तो उन्होंने कहा देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां की जनता क्या चाहती है, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। यानी वो लोग जो चाहते हैं कि जमहूरियत का परचम ना लहराए वहां जम्मू कश्मीर की धरती पर, वो इस बार देखेंगे कि क्या सादगी से और कितने बुलंद तरीके से जनता बाहर निकलती है और इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, जैसे लोकसभा के चुनावों में आपने देखा था। हमारे साथ जीशान राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, और इस वक्त आपको हमारे साथ जेजेपी के दीप कमल जी भी नजर आ रहे हैं, सतीश केसिंग साहब और रिफत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जीशान राणा जी, आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तीन अलग अलग फेजेस में चुनाव की तारीखों का जम्मू कश्मीर में ऐलान हुआ है। देखिए ये वेलकम स्टेप है, और काफी दिनों बल्कि सालों से फार्म जो है इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव नहीं हुए, पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली मौजूद में नहीं है, और हमें लगता था कि जो फैसला जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। आपकी आवाज हम तक टूट कर पहुंच रही है, प्रॉब्ली नेटवर्क का इशू है राणा जी, मैं उसे दुरुस्त करवाती हूँ फिर आपका रुख करती हूँ। रिफत भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीप कमल जी, ऐलान हो गया है, आपने कहा था आधे घंटे में, ये बात मैं स्वीकार कर लूंगा कि हाँ ट्रांसपेरेंसी है, लोग भी तैयार हैं, लोग वो छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि देखिए सबने मन बना लिया है, ये जो सरकार इस बार आएगी वो कांग्रेस की सरकार आएगी। बहरहाल इस तरीके से बयान लगातार बीच में आते रहेंगे, लेकिन दीप कमल जी देखिए ट्रांसपेरेंसी वाली बात तो निश्चित तौर पर माननी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि ये तो शॉक दे दिया, कहीं ना कहीं झटका दे दिया नायब सिंह सैनी जी को केंद्र की सरकार ने, क्योंकि उन्होंने कल सुबह 9 बजे की कैबिनेट मीटिंग रखी हुई है। पहले उसका टाइम था 17 अगस्त 11 बजे, फिर उसको चेंज किया 17 अगस्त 10 बजे और फिर 17 अगस्त सुबह 9 बजे। इतनी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग है जिसको टालना भी नहीं चाह रहे थे, और सुबह 9 बजे पहली बार हरियाणा में कैबिनेट मीटिंग रखी गई है। मैं 15 साल से देख रहा हूँ, सुबह 9 बजे कभी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, कल रखी हुई थी क्योंकि दोपहर बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोई बैठक के लिए मुख्यमंत्री जी को जाना था। अब इस तरीके के झटका अगर ये आया है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा झटका तो नायब सिंह सैनी जी के लिए है, मान लिया कि ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि बार बार यही होता है कि चुनाव हारते हैं तो कहते वो, अभी राजीव कुमार जी पिछली बार यही कह रहे थे कि ईवीएम बेचारी अब रेस्ट पर चली गई है, अब जैसे ही दूसरे चुनाव आएंगे इस ईवीएम को वापस गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। बहरहाल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, कितने तैयार हैं आप और इन तारीखों को लेकर आपका रिएक्शन? देखिए पिछली बार जो आचार संहिता थी 21 सितंबर को लगी थी और 22 अक्टूबर को यहाँ वोट पड़े थे, तो 22 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 21 दिन पहले वोट पड़ेंगे, और 35 दिन पहले आचार संहिता लग गई है 21 सितंबर के मुकाबले, तो महीना तो कम से कम जो है वो पहले हो रहा है सारी चीजें। और ये जो चुनाव में लोग जा रहे हैं उनके लिए एक झटका सबके लिए है ये, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं जो बीजेपी की और बाकी सरकार की गतिविधियां हैं, सरकार के प्रचार का जो काम चल रहा है वो सारा बीच में अटक गया है। 15 दिन पहले एक दिन से ये हो जाना बहुत सारी चीजों को प्रभावित करेगा, कैंडिडेट जल्दी जल्दी फाइनल करने पड़ेंगे। हमारी पार्टी की तैयारी अपनी तरह से पूरी है, हमने संगठन दोबारा बनाया है लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरीके से हमारे नतीजे हमारे हिसाब से नहीं आए थे, हमने सारे जिला अध्यक्ष सारे ठीक है। दीप कमल जी आप ये कह रहे हैं कि ये तो एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो गया और हमने तो रिवीजन भी नहीं किया है, अभी बहुत जल्दी जल्दी हमें है हमारा। अच्छा आपका हो गया है लेकिन बीजेपी का नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधन ज्यादा है, पार्टी बड़ी है, सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मनोहर लाल जी हैं, ठीक है, उन्होंने ज्यादा उन्होंने अपना काम ज्यादा फैला रखा था। ओके रिफत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, ओके दीप कमल जी मैं रुक करूंगी आपका, रिफत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रिफत तीन अलग अलग फेजेस में होंगे चुनाव। रूबिका हम चूंकि अनाउंसमेंट से पहले चुनौती की बात कर रहे थे जिसका मैंने जवाब दिया था, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनौती को चुनौती दे दी, क्योंकि तीन फेजेस में यहां पर इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। यहां पे जब भी इलेक्शंस होते थे 5 फेज 6 फेज 7 फेज में हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं होता था, तो ऐसे में हम ये समझे कि 90 सीट्स हैं, 30 सीट्स पर एक साथ में इलेक्शन होगा, एक साथ में चुनाव होगा, अलग अलग जगहों पे होगा, अलग अलग लोगों को सिक्योरिटी दी जाएगी, पोलिंग बूथ्स को सिक्योरिटी दी जाएगी, कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी दी जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि
चुनौती को वापस चुनौती दी गई है और इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए और शॉर्टेस्ट मतलब तो पीरियड ऑफ टाइम में ये होगा। अब चुनौती है, तैयारी है तभी तो, मतलब अब हमें पता है, आरती अभी कह रही थी कि जम्मू में हालात देखिए कितने खराब है, पता नहीं ग्राउंड से क्या उनके पास ऐसी रिपोर्ट आ गई, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। मैं कह रही हूं ये इतना पुख्ता कॉन्फिडेंस है कि जो 6 और 5 फेजेस में चुनाव हुआ करते थे वो आज 3 फेजेस में समेटने की कुवत रखता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपने तो सवाल भी किया था महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों को क्यों नहीं उनका ऐलान हुआ है, क्या वो अलग से होने वाले हैं, और सिक्योरिटी को लेकर इन दोनों का जवाब क्या दिया है राजीव? रूपिका, मुबारक देना पड़ेगा नीरज को कि नीरज ने जो पहले ही प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने कहा था 3 फेज के बारे में, हालांकि मैं समझता था कि 4 से 5 फेजेस में होगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि यहाँ पे 3 फेजेस में चुनाव हो ही नहीं सकता था। हरियाणा के बारे में नीरज से सवाल पूछे जा रहे थे, हरियाणा में तो ऐसी कोई सरगर्मी है नहीं, तो नीरज को क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूज 18 इंडिया के सीनियर जो है साथी में, और इन्होंने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही, ये जरूरी भी था। दीप कमल भी थम्सअप कर रहे हैं, जेजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कि नहीं बात एकदम सही थी। नीरज,